आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज अबाउट द सेकंड टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, जो कि क्या है सेकंड टाइप, विच इज SP2 हाइब्रिडाइजेशन। SP2 हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? व्हेन 1s एंड 2p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स टू फॉर्म 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल्स। तो ये आपके पास जो है जो ऑर्बिटाइज जो हाइब्रिडाइजेशन होगी दैट वुड बी कॉल्ड एज sp2 हाइब्रिडाइजेशन, कि जब एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल जो उनसे हैं वो हिस्सा लें हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में। अब हम इसकी एग्जांपल्स की मदद से आपको डिटेल में समझ आ जाएगी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है। इसकी दो एग्जांपल्स जो हैं हमने स्टडी करनी है। नंबर वन इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड एंड नंबर टू इज इथीन। अब ये जो इथीन है और BF3 है, इनको जब हम डिटेल में इनका स्ट्रक्चर स्टडी करेंगे तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ SP2 हाइब्रिडाइजेशन। तो वी स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट एग्जांपल व्हिच इज बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। बोरॉन ट्राइफ्लोराइड जिसको हम BF3 लिखते हैं, इसके अंदर क्या होता है, अगर इनमें सेंट्रल एटम बोरॉन है तो बोरॉन की अगर हम बात करते हैं तो बोरॉन इज B5, और अगर मैं इसको ग्राउंड स्टेट में लिखूं इसकी तो दैट इज 1s2 2s2 2px1। अब पांच इसके पूरे हो चुके हैं लिहाजा 2py में 0 होगा और 2pz में भी 0 होगा। अब क्या होगा, इस s में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, उठ के इधर आएगा और अब हमारे पास जो बोरॉन की एक्साइटेड स्टेट होगी दैट विल बी 1s2 2s1 2px1 एंड 2py में अब एक आ चुका है 2s से उठ के, तो यहाँ पे भी 1 और 2pz एज यूजुअल 0। अब ये तीन जो उनसे ऑर्बिटल्स हैं एक s और 2p के, दे विल इंटरमिक्स एंड फॉर्म द हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अब जब मैं इसकी हाइब्रिड स्टेट लिखूंगा तो दैट विल बी 1s2 एंड 3 जो उनसे हैं आपके पास हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स होंगे, और वो कौन से होंगे, sp2, और दीज 3 sp2 विल हैव सेम। तो ये आपके पास बोरॉन के अंदर sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुई, जिसके अंदर एक s ऑर्बिटल और 2p ऑर्बिटल्स ने जो उनसा है हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में हिस्सा लिया। अब हम इनकी अगर शेप की तरफ चलें तो अगर मैं बात करता हूँ बोरॉन के अंदर 2s ऑर्बिटल की तो दैट इज सर्कुलर। सिमिलरली अगर मैं x की बात करता हूँ तो दैट इज समथिंग लाइक दिस x y एंड z। और अब अगर मैं 2p बेसिकली हमारे पास जो हिस्सा ले रहे हैं ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन के अंदर बोरॉन में, दो आर 2s 2px एंड 2py 2pz में 0 है। एक ये है, ये मिलेगा और तीसरा कौन सा होगा हमारे पास, y एक्सिस वाला 2py, ये 2px है और ये z के ऊपर नहीं है और x के ऊपर भी नहीं है, इनको मैंने सेपरेटली ड्रॉ कर दिया। दिस इज x y एंड
जेड। ये तीनों ऑर्बिटल जब मिलेंगे और हाइब्रिडाइज्ड स्टेट बनाएंगे तो वो कुछ ऐसी होगी। और इनके साथ छोटी लोब्स होती हैं, लिहाजा वो भी मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। तो दीज आर दोज थ्री जो हमारे पास तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने थे, पीछे हमने देखे थे इन तीनों ने जब मिलके तीन sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल बनाए थे तो उनका स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का होगा। एंड दिस इज दी इक्विलेटरल ट्राइंगल, और ये एंगल जो सा है वो 120 का होएगा। तो दिस इज दी स्ट्रक्चर ऑफ 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो कि हमारे पास बोरॉन के अंदर बने हैं। इनमें से अगर मैं एक की सेपरेट बात करूं तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसे होगी। तो चूंकि तीन है तो तीनों को जब मैंने मिला के स्ट्रक्चर बनाया तो वो हमारे पास क्या बना, ट्रायंगुलर बना। तो अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर है बोरॉन का जिसके आउटर मोस्ट शेल के अंदर तीन हाइब्रिडाइज्ड sp2 ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं फ्लोरीन की जिसने इसके साथ आके मिलना है। अब फ्लोरीन का अगर मैं स्ट्रक्चर लिखूं या F9 की मैं हाइब्रिडाइजेशन करूं तो इट हाइब्रिडाइजेशन तो इसकी नहीं होगी। इसका अगर मैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो इट वुड बी 1s2 2s2 2px 2 2py 2 8 हो गए एंड नाइन्थ होगा 2pz। तो इसके अंदर एक अनफिल्ड ऑर्बिटल मौजूद है जो कि p का है और pz है, और उसकी जो है 2p है। ये इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। अब मैं स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूँ आपके पास इसका कि जब ये बोरॉन का जो स्ट्रक्चर था ये जब मिलेगा अपने फ्लोरीन के तीन फ्लोरीन के मॉलिक्यूल्स के एटम्स के साथ तो फिर स्ट्रक्चर की शेप जो सी है वो किस तरह की बनेगी। तो दिस इज माई बोरॉन जिसके अंदर क्या है, विच हैज दीज थ्री आर sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स। दीज आर sp2, ये भी sp2 है और ये भी sp2 है। अब मैं बात करता हूँ अपने फ्लोरीन की। फ्लोरीन की अगर मैं बात करूं तो फ्लोरीन का सिर्फ एक पी ऑर्बिटल फ्री है जो कि ये है। ये इसके साथ ओवरलैप करेगा तीन जगहों पे। एंड दिस इज द 2p ऑफ फ्लोरीन। तीन फ्लोरीन के मॉलिक्यूल ने आके अटैच होना है और एक यहाँ पे अब जो ओवरलैप है वो कौन सा ओवरलैप है, दैट इज sp2 टू पी ओवरलैप। उसके अंदर sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हम sp3 ओवर s ओवरलैप पर देखते थे, यहाँ पर क्या है कि sp2 ओवरलैप कर रहा है p ऑर्बिटल ऑफ फ्लोरीन के साथ। तो ये स्ट्रक्चर जो है आपके पास बनेगा और दिस इज द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर। अगर इसको मैं ट्रायंगल की शेप में बनाना चाहूँ जैसे अभी ये बना हुआ है तो इट वुड बी समथिंग लाइक दिस। ये बोरॉन है, इसके इस तरह तीन एंगल्स के ऊपर आपके पास फ्लोरीन जो है वो लगी हुई है एंड दिस वुड बी द ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर विद 120 डिग्री जो आपके पास इसका एंगल होगा। तो दिस इज हाउ वी कैन अंडरस्टैंड दी एग्जाम्पल ऑफ बोरॉन फ्लोराइड ट्राईफ्लोराइड जिसके अंदर हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन को देखा। अब हम चलेंगे अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ विच इज दी सेकेंड एग्जाम्पल, दैट इज इथीन। इथीन के अंदर जो इथीन का स्ट्रक्चर है दैट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसके अंदर सेंट्रल एटम हमारे पास क्या है, कार्बन का है। तो कार्बन 6, इसकी जब मैं ग्राउंड स्टेट लिखूंगा तो इट वुड बी 1s2 2s2 2px1 2py1
एंड 2 पी जेड 0। अब होगा क्या, ये ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे जाएगा, इससे एक इलेक्ट्रॉन उठेगा और वो 2 पी जेड को दे देगा, एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन 6, इट विल बी 1s2 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। अब यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक s और 2p हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, दो 2p ऑर्बिटल्स ने मिलके हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाने हैं, तो दीज आर दोज 3 ऑर्बिटल्स, 1s और 2p जो के मिलके sp2 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, जबकि ये 2pz हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस में हिस्सा नहीं लेगा। तो इसको जब मैं इसकी हाइब्रिड स्टेट लिखूंगा तो दैट वुड बी समथिंग लाइक दिस, 1s2 और 3 जोनते हैं आपके पास sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बन जाएंगे इन 3 के मिलने से, और जो आपके पास 2pz है वो वैसे का वैसे ही रहेगा, दैट विल नॉट टेक पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द कार्बन इन इथीन, वो क्या होगा, वो अलग रहेगा, वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर जो है हिस्सा नहीं लेगा। अब हम मूव करते हैं कार्बन के स्ट्रक्चर की तरफ, के कार्बन के अंदर अब जो है एक जो है वो 2pz है और 3 जो है वो sp2 जो से हैं ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो अगर ये कार्बन है, दिस इज फॉर एग्जांपल अगर कार्बन का न्यूक्लियस, तो इसके अंदर जो 3 sp2 ऑर्बिटल्स हैं वो तो इस तरह आपके पास ट्रायंगुलर फॉर्म में मौजूद होंगे, और जो एक 2pz है वो पूरे का पूरा यहाँ पर मौजूद रहेगा। दिस इज 2pz एंड दीज आर द sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ऑफ अ कार्बन एटम। अब क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो अब कार्बन ने मजीद कार्बन के साथ और हाइड्रोजन के साथ जो है वो मिलना है, तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे विद रिस्पेक्ट टू अनदर कार्बन एटम। तो पहला कार्बन अगर ये था ये मोटी लोग हैं, दे आर sp2 एंड दिस इज pz जो कि हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा जिसने नहीं लिया था, एंड दिस 3 आर सी sp। सिमिलरली वी हैव अनदर कार्बन एटम हियर जिसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का होगा, क्योंकि हमने इस तरफ इसके साथ मिलाना है तो इसका स्ट्रक्चर ऑपोजिट डायरेक्शन में बनाना। दीज थ्री आर दी sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन और दिस वन इज दी 2pz जो के हिस्सा नहीं ले रहा। अब क्या होगा, ये एक कार्बन एटम है, दिस इज दी अदर कार्बन एटम, ये जो sp2 हर कार्बन एटम, इसका स्ट्रक्चर आप ज़रा सा ध्यान में रखें कि एक कार्बन ने 2 हाइड्रोजन के साथ मिलना है और फिर डबल बॉन्ड बनाना है कार्बन के साथ और 2 हाइड्रोजन, तो ये जो उनसे हैं दिस विल ओवरलैप विद हाइड्रोजन एटम, ये हाइड्रोजन एटम है, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गई, यहाँ पे हाइड्रोजन लग गई, दी विल बी दी sp2 s ओवरलैप, sp2 ऑफ कार्बन एंड s ऑफ हाइड्रोजन, ये sp2 s ओवरलैप होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगी, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अटैच होगी सिमिलरली। अब ये दोनों जोन से हैं एक दूसरे के भी करीब आएंगे, और यहाँ पर जोन सी है आपके पास sp2 ओवरलैप होगी बिटवीन दी 2 कार्बन एटम, sp2 ओवरलैप होगी बिटवीन दी 2 कार्बन एटम, और जो चीज़ हमारे पास बनेगी वो होगी ये, जब आपके पास दोनों sp2 मिले
ये आपके पास बनता है सिग्मा बॉन्ड बना बिटवीन कार्बन कार्बन, ये दोनों जब मिले ये वाला और ये वाला, और बाकी का स्ट्रक्चर वैसे का वैसे ही। दिस इज हाइड्रोजन, दिस इज एस पी टू ऑफ कार्बन एंड दीज आर हाइड्रोजन। सिमिलरली जो है आपके पास यहाँ पे एस पी टू और हाइड्रोजन एंड यहाँ पे एस पी टू एंड हाइड्रोजन, और आपका जो टू पी जेड है वो अभी वैसे का वैसे ही अनपेयर्ड हालत में मौजूद है। दिस इज द टू पी जेड। अब चूंकि ये सिग्मा बॉन्ड बन चुका है, सिग्मा बॉन्ड इज डायरेक्ट बॉन्ड जो कि डायरेक्ट मिलने से बनता है, एंड उसकी डेफिनेशन हम पीछे पढ़ के आए हैं कि वो बॉन्ड जिसके दरमियान इलेक्ट्रॉन मिलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज़्यादा कहाँ हो, द लाइन विच जॉइंस द टू न्यूक्लियाई। तो ये जो सा सारा एरिया है, अगर मैं इसको शेड करूँ, दिस एरिया वो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन मिलने की सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, एंड इट इज़ बिटवीन द लाइन विच इज ज्वाइनिंग टू न्यूक्लियाई। तो ये लाइन जो दोनों न्यूक्लियस को ज्वाइन कर रही है, इनके दरमियान मिलने की प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे ज़्यादा है। तो दिस वॉज द सिग्मा बॉन्ड। अब ये जो टू पी जेड पीछे रह गया है, ये वाला डबल बॉन्ड बनाएगा। ये दो बॉन्ड हैं, दिस बेसिकली इज वन सिग्मा बॉन्ड जो कि हमने अभी देख लिया बना हुआ, और जो दूसरा बॉन्ड है दैट इज द पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, ये टू पी जेड जो से हैं, ये टू पी जेड आपस में यहाँ से मिलेंगे, ओवरलैप करेंगे। और आपको पता है कि जब न्यूक्लियस के ऊपर या जो सेंटर लाइन होती है उसके ऊपर और नीचे प्रोबेबिलिटी बने, या जब ये साइडवेज पे आके एक दूसरे से ओवरलैप करें, तो आपके पास जो स्ट्रक्चर बनता है, जो बॉन्ड बनता है, दैट इज़ कॉल्ड दी पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड की डेफिनेशन भी लिखी हुई है आपकी बुक में कि ऐसा बॉन्ड जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम हो, कहाँ पे, परपेंडिकुलर टू द लाइन ज्वाइनिंग टू नीचे। ये लाइन ज्वाइन कर रही है और इनके परपेंडिकुलर क्या है, ये या ऊपर हो या नीचे हो, तो ये आपके पास जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा सिग्मा बॉन्ड। तो अब पाई बॉन्ड, तो अब जो फाइनल फॉर्म बनेगी आपके पास वो कुछ ऐसी होगी। दीज आर द टू न्यूक्लियाई ऑफ द कार्बन, ये उनके दरमियान वाला सिग्मा बॉन्ड है, इनकी साइडों पे जो था sp2 ऑर्बिटल जो से थे उन्होंने उसी तरह ये sp2 विद हाइड्रोजन, ये sp2 विद हाइड्रोजन, टू विद हाइड्रोजन, sp2 विद हाइड्रोजन, और जो आपके पास यहाँ पर p थे वो आपस में मिलके पाई बॉन्ड बना चुके हैं। तो दिस इज द डबल बॉन्ड विच इज द पाई बॉन्ड, ऊपर नीचे ये सिग्मा बॉन्ड, और दिस आर द बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोजन। तो ये इसका स्ट्रक्चर जो है, ये दो हाइड्रोजन, ये एक सिग्मा बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड, और सिमिलरली यहाँ पे दो हाइड्रोजन। तो दिस इज हाउ एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन वर्क इन द स्ट्रक्चर ऑफ इथेन। दिस इज वेरी सिंपल बट वेरी लॉजिकल। और ये अगर आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है अबाउट पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, अबाउट द शेप्स ऑफ द ऑर्बिटल्स, अबाउट द स्ट्रक्चर, अबाउट द एंगल्स, तो फिर आपके लिए ये समझना मुश्किल होगा। इसलिए हम इसको बड़ा स्लोली लेके चले हैं। ये जो स्ट्रक्चर हमने बनाया था वो ट्राइंगुलर प्लानर था, ये 120 डिग्री, इसी तरह ये और इसी तरह इसके एक्सट्रीम के अंदर ट्राइंगल बनती है, और सिमिलरली यहाँ पे, और इस तरह बी जो है वो पाई बॉन्ड बनाएगा। इसकी एक और इसको अगर आप इस डायग्राम की मदद से समझें, दिस विल ऑल्सो हेल्प यू टू अंडरस्टैंड क्या था इसके अंदर। कार्बन का, कार्बन में तीन जो ब्लू कलर है, दिस इज शोइंग द एस पी टू ऑर्बिटल्स ऑफ कार्बन, और जो आपके पास येलो कलर है दैट इज़ द वन जिसने हिस्सा नहीं लिया था टू पी जेड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन। ठीक है, ये एक कार्बन था, ये दो कार्बन, ये इसके तीन जोनते हैं एस पी टू ऑर्बिटल्स, ये इन दो ऑर्बिटल्स ने हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, और इन टू ऑर्बिटल्स ने हाइड्रोजन के साथ। तो कार्बन का जो ये वाला हिस्सा था ये हो गया कंप्लीट। अब बचा ये वाला, इसके अंदर आप देखें कि ये इन दोनों ने मिले आपस में और एक सिग्मा बॉन्ड बनाया दिस, और जो टू पी जेड बीच में लटक रहा था
वो आपस में साइडवेज से मिलेगा और ये पाई बॉन्ड बना देगा, दिस इज द सेकंड बॉन्ड। तो ये इथीन का जो स्ट्रक्चर है वही सारी चीज़ है जो हमने स्टडी की है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू मस्ट नो ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल कि इसका स्ट्रक्चर कैसे जो है वो एग्जिस्ट करता है। और अक्सर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाता है अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ इथीन। तो दिस वॉज आवर टूडेज टॉपिक ऑफ SP2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें हमने बोरॉन ट्राइफ्लोराइड और इथीन के स्ट्रक्चर की एग्जाम्पल जो है वो स्टडी की।